लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आरा कचहरी स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्गों पर चलने एवं उसके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। साथ ही समाज में सामाजिक आर्थिक एवं उपेक्षित लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने हेतु भोजपुरवासियों से अपील किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे सर्वोच्च संविधान है, इसमें सबको समान अधिकार संविधान में दिया गया है और बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, यानी शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और लोजपा के द्वारा आज बड़े पैमाने पर कार्यक्रम भी आयोजित किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि लोजपा का कार्यक्रम नहीं है, सभी पार्टी के लोग जो बाबा को मानने वाले हैं सभी लोग द्वारा ये आयोजित की गई कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में भले कोई पार्टी में रहे, चाहे RJD में हो, भाजपा में हो, लोजपा में हो, या तमाम पार्टियों के पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों या समर्थक हो, आज अपने बैनर को हटा करके सिर्फ एक बैनर रहेगा बाबा भीमराव अंबेडकर की, और उनके बैनर तले सभी लोग होंगे, जितनी राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे, सभी लोग एकजुटता के साथ आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती हम लोग मनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ से, क्योंकि कड़ी धूपा होने के कारण समय में भी परिवर्तन किया गया है, यहाँ लगभग ढाई बजे से 1 बजे काम निर्धारित समय निर्धारित किया गया है, 1 बजे सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन 2:30 बजे से लगभग 2 से 2:30 बजे से हम लोग यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। देहात की तमाम झांकियाँ आ रही है और शोभा यात्रा समिति के लोग, जैसे सोनी जी हुए, रघुपति जी हुए, तमाम लोग लगे हुए हैं, लग करके सभी लोग तैयारी कर लिए हैं और यही बाबा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से टाउन थाना होते हुए गोपाली कुआं से जेल रोड होते हुए शिवगंज मोड़ दुर्गा मंदिर, सदर हॉस्पिटल, बड़ी मठिया, करमन टोला, नवादा होते हुए फिर हम लोग मिल रोड स्टेशन, कतिया और पकड़ी चौक, फिर जज कोठी होते हुए यहाँ हम लोग वापस करेंगे रमना मैदान के पास, बाबा साहब के पास, और इस सभा को समाप्त कर देंगे।